कुल लंबाई पेटीकोट की 36 है, कमर 30 है। अब फुल लंबाई में हम मोहरी वाला पेटीकोट बनाने जा रहे हैं, तो फुल लंबाई में 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो जैसे फुल लंबाई 36 है तो हम 37 लेंगे। और पहले हम कपड़ा देखते हैं, कपड़ा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 37 निशान लगा देंगे, फिर एक और 37 चाहिए हमें, डबल 37, तो निशान लगा के देख लेंगे। ये रहा 37। उसके बाद हमें बेल्ट के लिए चाहिए 5 इंच, तो बेल्ट में हमें कम मिल रहा है, तो इससे पहले हम बेल्ट निकाल लेंगे 5 इंच का। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसको हम फोल्ड कर देंगे। पाँच इंच ये बेल्ट के लिए, पेटीकोट पे जो ऊपर बेल्ट लगेगी, और जो कि लंबाई हिप हमारी 30 है, वो हमारा 17 साढ़े 17 आ रहा है। कपड़े की चौड़ाई 17.5 34, जो 5 इंच हमें लूजनेस चाहिए होता है, तो ये हमें 4 इंच मिल रहा है। 4 इंच भी बहुत है, हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, एक ही लेंथ हम निकालेंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी बेल्ट की। तो इसको हम कट निशान लगा कट कर लेते हैं। हमारा बेल्ट कट गया, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब चलते हैं कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं। कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है हमने, 36.5 मिल रहा है, आधा इंच कम हो रहा है। तो मोहरी के लिए हम कम यूज कर लेंगे, अंदर कम फोल्ड करेंगे। अब हिप हमारी 30 है, हिप का 6ठा हिस्सा यहाँ खुले साइड लेंगे, और हिप का 12वां हम हिस्सा बंद भाग की तरफ लेंगे। तो हिप का 12वां हिस्सा 12 24 और बचा 6 इंच, तो 6 को 12 जगह डिवाइड करोगे तो आधा आधा इंच आएगा, 2.5 इंच, और 1.5 इंच प्लस करोगे लूजनेस के लिए, तो 2.5 और 1.5 कितना हुआ, 4 इंच। तो 4 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और डॉट के लिए हमें वो लूजनेस में आ गया, और डॉट लेना है तो आधा इंच और बढ़ा लेंगे, 4.5 लेंगे हम टोटल, यानी 2 इंच हमें प्लस करना है, 4.5 लेंगे। यहाँ से बंद भाग की तरफ से हिप का 12वां हिस्सा, हिप 30 डिवाइड 12, 2.5 इंच आ गया, ठीक है। अब हिप का 6ठा हिस्सा यहाँ पे लेंगे, 6 5 30, 5 आया, 2 इंच प्लस करोगे 7, तो 7 के निशान लगाएंगे। ये हिप का 6ठा हिस्सा है हमारा, डिवाइड 6 5 इंच, ये हिस्सा लिया आपने, 5 इंच और 2 इंच प्लस किया, 7 इंच के निशान लगा दिए। अब इसको मिला देंगे, कटिंग कर देते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कटिंग में कुछ ना समझ में आ रहा हो। ये हमारा जॉइंट भाग है, इसको हम कट कर देंगे। इसको भी कट कर दो। हमारी 4 कलियां हैं साइड साइड की, और ये हमारी बीच की कली है।
एक दूसरी कली है नीचे वाले, दो कली, और दोनों कलियों की साइड में हमें इस कली को अटैच करना होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा हिस्सा अटैच करना होता है, तो ये तिरछा हिस्सा नहीं अटैच होगा, कभी भी सीधी कली के साथ, सीधी कली के साथ किनारी वाली कली अटैच होती है, और ये किनारी निकाल दी जाती है। ये किनारी अभी निकाल दूंगी, समझाने के लिए मैंने किनारी रखी है, अभी किनारी को मैं कट कर दूंगी, क्योंकि कपड़े में मैं हर वीडियो में बताती हूँ ये किनारी निकाल दी जाती है, किनारी से खिंचाव आता है, टाइट होता है किनारी से, और काटते वक्त हमारा कपड़ा खुल जाता है, आधा इंच से पौन इंच कपड़ा की लंबाई बढ़ जाती है किनारी निकालने से। तो इसी तरह ये कली, एक कली इधर इस साइड जोड़ देंगे, ये हमारा एक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी और सारी वीडियो भी हमने छह कली की डाल रखी है हिप के अकॉर्डिंग। तो अब सारी कलियां हटा के हम किनारी काट देंगे, ये चारों कलियां हम एक साथ रख के और किनारी इसकी निकाल देंगे। किनारी सबको मिली, चार कलियां और ये रहा दो कली। ये हमारी बेल्ट है, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है पेटीकोट की। और आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हैं, पेटीकोट की फुल स्टिचिंग कटिंग हमने डाल रखा है, और ये सिर्फ कटिंग कटिंग है, स्टिचिंग नहीं दिखा पाएंगे, तो हमने कटिंग डाल दी है वीडियो की।